शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं, क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखे नहीं ठहराया? और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नीम को तुम्हारे लिए मूजिब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को माश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार मेघ बरसाया ताकि हम उससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज आ मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोजख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके आमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहां वो न बेहुदा बात सुनेंगे न झुटलाने की बातें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा। वो परवरदिगार कि जो कुछ आसमानों और जमीन में और जो इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उससे बात करने का यारा ना होगा। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत बख्शे और वो बात भी दुरुस्त ही कहे। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अजाब से जो करीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफजदा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे? कहते हैं कि यह लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा। तो बस वो एक डांट होगी, उस वक्त वो सब मैदान हश्र में आ जमा होंगे। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है, फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो? गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना, फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुलंद आवाज से बोला, सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया और उसी ने रात तारीख बनाई और दिन को धूप निकाली और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा और दोजख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की
और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोजख ही है। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है, सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाकई होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे थे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नाबीना आया, और तुमको क्या खबर शायद वो पाकीजगी हासिल करता या वो समझ जाता तो तुम्हारा समझाना उसे फायदा देता। अब वो जो परवाह नहीं करता सो उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना संवरे तो तुम पर कुछ इल्जाम नहीं। और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो अल्लाह से डरता भी है तो उससे तुम बेरुखी करते हो। देखो ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे। काबिले अदब वर्कों में लिखा हुआ जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं, ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो बुलंद मर्तबा और नेकुकार हैं। इंसान मारा जाए ये कैसा नाशुकरा है, इसे अल्लाह ने किस चीज से बनाया? नुतफे से बनाया, फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी सो उसे कब्र में पहुंचाया, फिर वो जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया। तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे, बेशक हम ही ने पानी बरसाया, फिर हम ही ने जमीन को अच्छी तरह फाड़ा, फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और चारा, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए बनाया। तो जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादां ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी, यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोजख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हट जाती हैं और जो सैर करते और गायब हो जाती हैं, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है, कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ते आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के हां ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही अमानतदार है। और मक्के वालों, तुम्हारे रफीक यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दीवाने नहीं है, और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है और वो गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं, और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है, यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी,
तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आजा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मोतदिल रखा, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। मगर अफसोस, तुम लोग जजा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज्जज कातिबीन, जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकुकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोजख में, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? जिस रोज कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा, और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग ये नहीं ख्याल करते कि उठाए भी जाएंगे? यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के आमाल नामे सिज्जीन में होंगे। और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है, यानी जो इंसाफ के दिन को झुटलाती हैं, और उसको झुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है, ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बात यह है कि ये जो आमाले बद करते हैं उनका इनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग उस रोज अपने परवरदिगार के दीदार से ओट में होंगे, फिर ये लोग यकीनन दोजख में जा दाखिल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसको तुम झुटलाते थे। ये भी सुन रखो कि नेकुकारों के आमाल नामे इल्लीयीन में होंगे। तुमको क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होती हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नजारे करेंगे, तुम उनके चेहरों ही से नेमत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको शराब खालिस सर ब मुहर पिलाई जाएगी, जिसकी मुहर मुश्क की होगी। तो नेमतों के लिए रीस करने वालों को चाहिए कि इसी की रीस करें, और उसमें आबे तस्नीम की आमेजिश होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब पिएंगे। जो गुनाहगार यानी कुफार हैं, वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो हकारत से इशारे करते, और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते, और जब उनको यानी मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं। हालांकि वो यानी काफिर उन पर निगरां बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे कि मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। आज काफिरों को उनके कामों का पूरा पूरा बदला मिल गया ना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने परवरदिगार का फरमान सुन लेगा, और यही उसके लायक भी है, और जब जमीन हमवार कर दी जाएगी और जो कुछ उसमें है वो उसे निकाल कर बाहर डाल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी, और अपने परवरदिगार के इरशाद की तामील करेगी, और उसको लाजिम भी यही है, तो कयामत कायम हो जाएगी। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने तक खूब तकलीफ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नाम आए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नाम आए आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, तो वो मौत को पुकारेगा और दोजख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो आयाल ही में मगन रहता था, वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं? उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं, और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। तो इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर झुटलाए जाते हैं,
और अल्लाह उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। तो इनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। हां, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं और उस दिन की जिसका वादा है और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गालिब है सब खूबियों वाला है जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की उनको दोजख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा और वो बख्शने वाला है बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक बड़ी शान वाला जो चाहता है सो कर डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है यानी फिरौन और समूद का? असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल झुटलाने में लगे हैं जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है। यह कोई मामूली कलाम नहीं बल्कि ये कुरान अजीमुशान है, लौह महफूज में लिखा हुआ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मैं बरसाता है और जमीन की कसम जो फट जाती है कि ये फैसला कुन कलाम है और ये कोई मजाक नहीं। ये लोग अपनी तदबीरों में लग रहे हैं और मैं अपनी तदबीर कर रहा हूं। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम काफिरों को मोहलत दो, बस चंद रोज की मोहलत और दे दो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार आलीशान के नाम की तस्बीह करो जिसने इंसान को बनाया फिर उसके आजा को दुरुस्त किया और जिसने उसका अंदाजा ठहराया फिर उसको रास्ता बताया और जिसने चारा उगाया फिर उसको सिया रंग का कूड़ा कर दिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हम तुम्हें पढ़ा देंगे फिर तुम फरामोश न करोगे, मगर जो अल्लाह चाहे वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी। और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे सो जहां तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत हासिल करेगा और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। जो बड़ी तेज आग में दाखिल होगा फिर वहां न मरेगा और न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। यही बात पहले सहीफों में भी दर्ज है यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमको ढांप लेने वाली यानी कयामत का हाल मालूम हुआ है? उस रोज बहुत से चेहरे यानी लोग जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दहकती आग में दाखिल होंगे। उनको एक खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा, एक सख्त खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जो न मुफीद गिजा बने और न भूख में कुछ काम आए। बहुत से चेहरे यानी लोग उस रोज शादमा भी होंगे,
अपनी मेहनत के बदले पर खुश, बहिश्ते बरी में वहां किसी तरह की लग्व बात नहीं सुनेंगे, उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहां तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे और कटोरे करीने से रखे हुए और गांव तक ये कितार की कितार लगे हुए और नफीस मसनदें जगह जगह बिछी हुई। तो क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं, और आसमान की तरफ के कैसा बुलंद किया गया है, और पहाड़ों की तरफ के किस तरह खड़े किए गए हैं, और जमीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, तुम तो नसीहत करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो, तुम उन पर दारोगा नहीं हो। हां, जिसने मुंह फेरा और न माना तो अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजाब देगा, बेशक उनको हमारे ही पास लौट कर आना है, फिर हमारे ही जिम्मे उनसे हिसाब लेना है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब रुखसत होने लगे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं इस बात पर कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे, और समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुरा में चटाने तराशते थे, और फिरौन के साथ क्या किया, जो खेमे और मेखे रखता था। ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियां करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो, और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा, और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे, और दोजख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं इस शहर यानी मक्के की कसम खाता हूं, और तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इसी शहर में तो रहते हो, और सबके बाप यानी आदम और उसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को मेहनत और मशक्कत में रहने वाला बनाया है, क्या यह ख्याल करता है कि इस पर कोई काबू ना पाएगा, कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया, क्या इसे यह गुमान है कि इसको किसी ने देखा नहीं, भला हमने इसको दो आंखें नहीं दी और जबान और दो होंठ नहीं दिए, ये चीजें भी दी और इसको खैर और शर के दोनों रस्ते भी दिखा दिए, मगर ये घाटी पर से होकर ना गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है, किसी की गर्दन का छुड़ाना या भूख के दिन में खाना खिलाना किसी रिश्तेदार यतीम को, या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे, यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना वही बुरे नसीब वाले हैं, ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और इसकी धूप की, और चांद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया, और जमीन की और उस जात की जिसने इसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया,
फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर स्वाले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया फिर ऊंटनी को मार डाला तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीस तो नाबूद कर दिया फिर सबको बराबर कर दिया और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो छा जाए और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है सो जिसने अल्लाह के रस्ते में माल दिया और परहेजगारी की और बेहतरीन बात यानी कलेमाए तौहीद को सच जाना तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे और जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे और जब वो दोजख के गढ़े में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखा देना हमारा जिम्मा है और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मिल्कियत है। सो मैंने तुमको भड़कती आग से खबरदार कर दिया है, उसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है जिसने झुटलाया और मुंह फेरा और जो बड़ा परहेजगार है वो उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब्बे आला की रजामंदी हासिल करने के लिए देता है और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया और उसने तुम्हें तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो ऐ इंसान, उसके बाद भी तू जजा के दिन को क्यों झुटलाता है? क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था, मगर इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है।
क्या तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है, यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है? भला देखो तो अगर ये राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा? तो इसका अंजाम क्या होगा? जरा देखो तो अगर उसने दीन हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? देखो अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल, तो वो अपने यारान मजलिस को बुला ले, हम भी दोजख के फरिश्तों को बुलाएंगे। देखो उसका कहा न मानना और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल करना शुरू किया और तुम्हें क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र हजार महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरती हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमनो सलामती है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो कुफर से बाज रहने वाले न थे, यहां तक कि उनके पास खुली दलील आ जाए, यानी अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक औराक पढ़कर सुनाता है जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई हैं, और अहले किताब जो फिरकों में बटे हैं तो दलील वाजे के आने के बाद ही बटे हैं, हालांकि उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, इताअत को उसी के लिए खालिस करते हुए यकसू होकर और नमाज कायम करें और जकात दें, और यही मजबूत उसूलों वाला दीन है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोजख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो तमाम खलकत से बेहतर हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के हां हमेशा रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो उससे खुश। ये सिला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब जमीन भौंचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ है, उस रोज वो अपने हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हांफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है, और वो इस बात से आगाह भी है, और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो भेद दिलों में है वो जाहिर कर दिए जाएंगे? बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। अब जिसके आमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी यकीनी इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते। तुम जरूर दोजख को देखोगे,
फिर तुम उसको यकीन की आंख से देख लोगे, फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में जरूर पुरसिश होगी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसर की कसम के इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है, शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी, बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरैश के मानूस करने की बिना पर, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने की बिना पर, उन्हें चाहिए कि उस नेमत के शुक्र में उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है? ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की चीजें मांगने पर नहीं देते। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते, और मैं फिर कहता हूं कि जिनके तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूं, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया, न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि वो माबूदे बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूं हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूं, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से।